नमस्कार साथियों, आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। वीए में 60 वर्ष से ऊपर लोग जो वरिष्ठ जिनको बोला जाता है सम्मानजनक व्यक्ति, जी हाँ जो बुजुर्ग जिनको बोलता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने पे क्या होगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि मान लीजिए आप इंडियन हस्बैंड वाइफ दुबई में रहते हैं, उनकी शादी इंडिया में हुई थी, दुबई में साथ रहे, वापस पति जी साथ में लेके इंडिया में आए, पत्नी को इंडिया छोड़ के वापस चले गए, कोई संपर्क नहीं कर रहे, तो इंडियन पत्नी है वो क्या कर सकती है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट है, जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं ड्राइवर वगैरह में, जो कंपनियां डायरेक्ट आप ही के नाम से गाड़ी निकलवा लेती हैं कि भाई ये आप ही के नाम से गाड़ी हमने निकाली, आप ही के नाम से RC है, आप इस गाड़ी को चलाओ, आप मजे करो, कंपनी को सर्विस दो, हमें सर्विस दो, आप भी सर्विस लो। उस दौरान आपके मन में लालच आता है, आप लगते हैं कंपनी तो अपने नाम गाड़ी कर दी, बेच देते हैं इसको, तो उस दौरान क्या होता है। तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे विस्तार से। वीए में अगर आप रह रहे हैं तो तीनों टॉपिक काम के हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई 60 वर्ष से ऊपर जो सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार करने पे बता दूं, दुबई का जो पुलिस कानून बना हुआ है, जी हाँ, उसके एक्ट 9 में साफ साफ बातें लिखी हैं, जो 60 साल प्लस बुजुर्ग व्यक्ति है उसके साथ में कोई गलत व्यवहार किया गया तो $50,000 का जुर्माना है, दराम का नहीं है, $50,000 का, आप अपनी कैलकुलेट कर लेना भाई कितना बनता है। जी हाँ, ये समस्या अगर बुजुर्ग लोगों के साथ में होती है, कोई घर का कोई बंदा, कोई बाहर का, कोई पड़ोसी, कोई भी उनको परेशान करें तो उनकी शिकायत की जा सकती है, सामुदायिक विकास मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं, बुजुर्ग देखभाल केंद्र भी दुबई में बनाए गए हैं वहां शिकायत कर सकते हैं, पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, अन्य कोई भी विभाग है वहां पे जाके शिकायत करें, उनका जो भी सिस्टम है अपने आप उनका इलाज भी कर देगा और उनके ऊपर जुर्माना भी साबित होने पे लग जाएगा। और $50,000 जो जुर्माना चुकाएगा वो जिंदगी भर उनके आगे हाथ जोड़ के निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे अगर बात करें वीए में, जी हाँ भाई, अगर आप दुबई में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, शादी हालांकि आपने इंडिया में की है, जी हाँ, आप दुबई गए, आपका वीजा लगा हुआ था, काफी समय साथ में बिताया, आप जॉब कर रहे थे, आप अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आ गए, उसके बाद में आपकी कुछ प्रॉब्लम आपस में हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप अपनी पत्नी से अलग रहना चाहते हैं, पत्नी को यहीं छोड़ दिया, आप वापस दुबई चले गए, पीछे से पत्नी को लगता है कि भाई पति साहब से तो अपनी बात नहीं हो रही है, मैसेज इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके परिवार का आ जाता है, भाई हम आपको नहीं रखेंगे, हमें ये कर दो, हम अलग रहना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। उस दौरान पत्नी ये चाहती है कि भाई हम एक साथ रहना चाहते हैं, हम घर बसाना चाहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस दौरान पत्नी को लगता है कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो दुबई जाके बैठ गए, इंडिया में बैठा तो उनके खिलाफ में क्या होगा, तो उनका ये आपकी थिंकिंग ये हो सकती है कि दुबई में जाके मैं उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लूं। जी हाँ, ये माइंड में कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो पत्नी पति के साथ दुबई में रह चुकी होती है तो उनके माइंड में नॉर्मली क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन यहां पे एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि वीए का जो बता दूं लॉ एक्ट है, बता दूं 142, उसमें ये बातें साफ साफ बताई गई हैं कि कार्रवाई वहीं होगी जहां पे अपराध घटित हुआ है, यानी अपराध आपने, आपका जो भी प्रोसेस हुआ वो इंडिया में, आपकी शादी हुई इंडिया में, आपका पूरा लेन देन यहीं पे है, दुबई सिर्फ आप रह रहे थे, आप वहां पे जॉब कर रहे थे, इस व्यवहार पे आप वहां पे जाके लीगल एक्शन अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं ले सकते, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई का जो लेबर एक्ट है वीए का, उसमें साफ साफ ये बातें बताई गई है। हाँ, अगर दुबई में रह के वहीं शादी कर ली है उसके बाद में आपको ये साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप में लीगल एक्शन ले सकते हैं, और बाकी जो प्रेसेज आपको देश से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान आप इंडियन लॉ के अनुसार इंडिया यहां पुलिस स्टेशन में, यहां कोर्ट में आप उनके खिलाफ में वाद दायर कर सकती हैं। जी हां, बाकी ये दुबई में एक ऑप्शन बच सकता है, दुबई में मान लो आप रह रहे हैं 2-4 महीने 6 महीने, काफी टाइम से आपके पास वीजा लगा हुआ है, तो आप वहां पे अगर आपको लगता है कि दुबई में आपको रहना है, ठीक है, तब आप दुबई में उनके खिलाफ में रख रखाव का खर्चा मांग सकती हैं कोर्ट के माध्यम से, ये ऑप्शन बच सकता है। जी हाँ, आप बाकी और उनके खिलाफ में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मेरा पति वहाँ रहता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ साथ में है, वो पति हैं, आप वहाँ पर रह रही हैं, तो आप वहाँ पर रख रखाव यानी आपका खर्चा रहने का
उनसे कोर्ट के द्वारा मांग सकती हैं। ये इतना सा है बस। आगे अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो कंपनी ने भाई काफी कई बार देखा होगा वर्करों के नाम से गाड़ी निकलवा देती है, उनके नाम से आरसी होती है, वो गाड़ी चला रहे होते हैं। लास्ट में क्या होता है, अग्रीमेंट में होता है भाई जब कंपनी छोड़ो, जब आपका लास्ट हो, अग्रीमेंट खत्म हो, वीजा कैंसिल हो, तो कंपनी गाड़ी के सबूत गाड़ी के कंपनी के नाम कर दो और चाबी पकड़ा दो और आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। लेकिन कुछ लोग अक्सर दिमाग लगा लेते हैं, उनको लगता है कि कंपनी को क्या पता लगता है, कंपनी से हमें छोड़ना ही है। और एक बंदा था, उसने क्या किया कि अपने नाम से गाड़ी थी, दूसरे को बेच दी। जी हाँ, कंपनी ने भाई क्लेम कर दिया। अब गाड़ी मेरे नाम से है, मान लो कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो गाड़ी मेरी है। वो डॉक्यूमेंट, वो अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में बातें मेंशन। अब आपके मन में यार गाड़ी जब मेरे नाम आरसी तो मैं बेच दूं, कंपनी का क्या, उसमें कोई लेन देन नहीं है, कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? कोर्ट में साबित होता है भाई, जो अग्रीमेंट कंपनी करती है ना, वो पागल नहीं है कंपनी बना के बैठे हैं, वो अग्रीमेंट में ये बातें मेंशन की जाती है कि ये आरसी नंबर है, इस नाम से इस तारीख को इतने पैसे में फलाना ढिमका जो भी उसका लीगल फॉर्मल होता है उसमें सब बातें साइन करवाई जाते हैं आपसे कि जब मैं जॉब छोड़ूंगा ये कंपनी की गाड़ी है, मेरे नाम से मैं कंपनी को वापस सुपुर्द कर दूंगा। वो अग्रीमेंट कंपनी के पास होता है, पीछे से मैं आपने गाड़ी बेच दी तो भाई कंपनी तो फिर लीगल एक्शन लेगी आपके खिलाफ में। तो कंपनी ने भाई कोर्ट में दावा किया, तो कोर्ट ने बता दूं सब कुछ सुनने के बाद में 80,000 दुबई दराम का प्लस कानूनी जो भी खर्च हुआ वो जो ड्राइवर साहब है उनके मत्थे मर दिया कि आप चुकाओ और अपने देश जाओ या कहीं पर भी काम करो। तो ऐसी गलती ना करें कि कंपनी या कोई भी आपका मालिक रिस्पॉन्सर आपके नाम से गाड़ी चला रहा है, आपके नाम से गाड़ी है, आपके सब पास सब कुछ है और आपको लगता है गाड़ी हम बेच देंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, बिगड़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों से बचें और सावधान रहिए। बस ये अपडेट देना था साथियों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।